Hi friends, welcome to the new video about SBI Clerk. तो exam format थोड़ा change हुआ है, selection pattern थोड़ा change हुआ है, ये दोनों बारे में हम बात करने वाले हैं. तो ये video end तक जरूर देखना. तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ exam format की. Exam format prelims का change हुआ है. तो उसके वजह से क्या फायदा हो सकता है, क्या loss हो सकता है, तो वो जान लीजिएगा. फ़ायदा कुछ है कि नहीं मुझे पता नहीं, यू जज इट योरसेल्फ कि सच में इसमें क्या फ़ायदा है, लेकिन मुझे नुकसान सच में उतना नज़र नहीं आ रहा है. बिकॉज जो प्रिपेयर्ड बंदा है उसको फ़र्क नहीं गिरने वाला. नाउ फॉर्मेट में चेंज क्या है, तो कुछ महीने तक लाइक दिसंबर तक जितने भी एग्जाम्स हैं वह तभी क्या मेंशन हुआ करता था, प्रीलिमिनरी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, तो वेदर इट्स IBPS क्लर्क और एनीथिंग, इट यूज टू बी मेंशन दैट कि कंपोजिट टाइम ऑफ 1 आवर, तो पूरे पेपर के लिए आपके पास 1 घंटे का वक्त होता था. तो इफ यू आर सॉल्विंग 3 सेक्शंस, आपके पास 100 क्वेश्चंस है, 100 मार्क्स थे, 1 घंटे का कंप्लीट टाइम होता था. तो उसमें आपके पास चॉइस होता था कि कौन से सेक्शन से स्टार्ट करें, कौन सा सेकंड रखें, कौन सा लास्ट रखें. नेक्स्ट आपके पास चॉइस होता था कि कौन से सेक्शन को कितना वक्त देना है. लाइक वी यूज टू रिकमेंड कि इंग्लिश में 15 मिनट देना चाहिए और आप 5 मिनट एक्स्ट्रा मैथ्स को दे दो. तो अवर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अर्लियर वॉज इंग्लिश 15, मैथ्स 25 एंड रीजनिंग 20. तो 15, 25 और 20 ये टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज किया करते थे. अभी ये चॉइस आपके पास नहीं है, ना तो आपके पास सीक्वेंस का चॉइस है, ना तो आपके पास टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का चॉइस है. तो इसके वजह से अभी क्या होगा वो बताता हूँ. लाइक इन एनी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट, तो किसी दिन किसी जो भी टाइम स्लॉट चल रहे हैं उस स्लॉट में हर किसी का पहला सेक्शन फिक्स रहेगा. तो अभी आपके पास चॉइस नहीं है कि मैं मेरा स्ट्रेंथ, लेट्स से मेरा स्ट्रेंथ मैथ्स है तो मैं मैथ्स से स्टार्ट करूँ या रीजनिंग से स्टार्ट करूँ, वो चॉइस आपका अभी बंद हो गया है. सो पहला सेक्शन अगर इंग्लिश है तो सबके लिए इंग्लिश रहेगा उस पर्टिकुलर स्लॉट में. दूसरे स्लॉट में शायद चेंजेस आ सकते हैं, बट इफ इट इज इंग्लिश इट विल बी इंग्लिश फॉर ऑल. तो दूसरी बात, यू कैन नॉट स्किप दैट. और नेक्स्ट वो इंग्लिश का जो सेक्शन है वो 20 मिनट तक चलेगा. तो अभी अगर वो जल्दी खत्म भी हुआ, वैसे चांस कम है कि जल्दी खत्म हो, अगर आप सच में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो तो 20 मिनट यूटिलाइज किया जा सकता है, बट यू डोंट हैव अ चॉइस टू स्किप दैट. ठीक है, तो वो सेक्शन फिक्स है पहला जो भी रहेगा वो. नेक्स्ट जैसे ही वो 20 मिनट खत्म हो जाते हैं इंग्लिश के, वो सेक्शन ऑटोमेटिकली लॉग ऑफ हो जाता है, सबमिट हो जाता है. तो उसके बाद में तुरंत जो नया सेक्शन रहेगा, लेट्स से नेक्स्ट सेक्शन अगर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का है तो वो ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकल एबिलिटी स्टार्ट हो जाएगा. अभी उसके बाद क्या होगा, लाइक अगर ऐसे हो गया कि आपको थोड़ी देर के बाद इंग्लिश का कोई क्वेश्चन का आंसर याद आ गया, तो यू डोंट हैव अ चॉइस टू गो बैक एंड मार्क दैट आंसर. तो जो पहले सिस्टम में हुआ करता था अभी वो चॉइस आपके पास नहीं है. तो ये थोड़ा सा नुकसान है कि अगर आपको बाद में थोड़ी देर के बाद कोई आंसर स्ट्राइक हुआ, यू कैन नॉट गो बैक और यू कैन नॉट गो बैक टू द प्रीवियस सेक्शन. इसकी वजह से ये जो नुकसानी है, ये फिर ये जो डिसएडवांटेज है सबके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, तो जो होना है सबका होना है. अभी इसकी वजह से एग्जाम में लोगों के परफॉर्मेंस में क्या चेंज आएगा तो वो बता देता हूँ. देन आई कम टू द कट ऑफ्स एंड द सिलेक्शन फॉर्मेट विच दे हैव चेंज दिस ईयर. तो एग्जाम फॉर्मेट में ये चेंज है, परफॉर्मेंस में क्या चेंज आ सकता है. इंग्लिश हर कोई, जितने भी सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट हुआ करते हैं या जो प्रिपेयर्ड बनते थे, हर कोई इंग्लिश को कम वक्त देता था. तो अभी इंग्लिश को 20 मिनट अगर दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश के अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे. ठीक है, और वो सबके बढ़ने चाहिए. और इंग्लिश में फिर अभी आपको इंग्लिश का तैयारी अच्छे से करना होगा, सो दैट आपके अटेम्प्ट्स और एक्यूरेसी के साथ वो अटेम्प्ट्स बढ़े. नेक्स्ट मैथ्स में अटेम्प्ट्स घटने वाले हैं, फिर भी क्लरिकल एग्जाम है तो आई बिलीव क्लरिकल एग्जाम का न्यूमेरिकल एबिलिटी इतना बुरा नहीं होता है. अगर आप क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छा रख रहे हो तो उसमें भी अटेम्प्ट्स डिसेंट किए जा सकते हैं. एंड रीजनिंग में कुछ नहीं का कोई ज़्यादा चेंज आएगा, बिकॉज रीजनिंग एनी वे एवरी वन यूज टू रिकमेंड 20-22 मिनट में रीजनिंग किया जाना चाहिए. तो अभी वो रीजनिंग का जो 20 मिनट का टाइम है वो फिक्स है, वो फिक्स रहेगा. अभी मैं बात कर रहा हूँ कि सिलेक्शन पैटर्न में क्या चेंज लाया हुआ है. तो इस साल नोटिफिकेशन में कहीं पर भी सेक्शनल कट ऑफ की बात नहीं की है, कहीं पर भी ओवरऑल कट ऑफ की बात नहीं की है. सो पहले जैसे हुआ करता था कि वी यूज्ड टू डिस्कस द ट्रेंड ऑफ व्हाट हैज बीन हैपनिंग सिंस पास्ट फ्यू इयर्स, तो
तो अभी इंग्लिश का कट ऑफ अगर पिछले साल कुछ नौ था या लास्ट टाइम 7.75 था जब 2016 में एसबीआई का एग्जाम हुआ, तो अभी वैसे कोई कट ऑफ वगैरह की बात नहीं आई। अभी इसका मुझे कोई तुरंत फायदा नजर नहीं आया बिकॉज इंग्लिश, चलो लेट्स अज्यूम बहुत सारे लोगों का मेजर प्रॉब्लम होता है मैथ्स, तो इफ़ यू हेट मैथ्स लेकिन आपको 20 मिनट मैथ्स तो सॉल्व करना है, आप खाली बैठ तो नहीं सकते हो कि यार चलो 20 मिनट खत्म होने तक इंतजार करते हैं, यू कैन नॉट डू दैट, आपको कुछ ना कुछ सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो वो सेक्शनल कट ऑफ भले ना हो तो वो एडवांटेज लेकिन उसका कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो मोर और लेस आपको हर एक सेक्शन में एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अभी ओवरऑल कट ऑफ भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है, ओवरऑल कट ऑफ भी नहीं रहेगा, बट अगेन आपको सिलेक्ट होने के लिए मेरा एक स्ट्रांग ओपिनियन है कहीं ना कहीं आपका स्कोर 50-55 के ऊपर होना जरूरी है। अगेन इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर ऑन दैट पर्टिकुलर डे, लेकिन 50-55 के ऊपर अटेम्प्ट्स होंगे या उसके ऊपर स्कोर आ रहा है तो ही चांस है कि शायद आप नेक्स्ट राउंड में जाने वाले हैं। अभी उन्होंने फिर नेक्स्ट राउंड का सिलेक्शन कैसे होगा अगर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ नहीं है, तो अगले राउंड में सिलेक्शन होगा कैसे, आपको कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया है कि जितने रिक्वायरमेंट है उन्हें उससे 10 गुना लोगों को वो सिलेक्ट करेंगे मेंस राउंड के। मतलब क्या, 8301 वैकेंसीज है, सो दे विल बी सिलेक्टिंग 83,000 पीपल फॉर द नेक्स्ट राउंड, इज दैट क्लियर? तो अगले राउंड में मेंस के लिए टोटल 83,000 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। अभी ये स्टेट वाइज कितना रहेगा तो मैं सिर्फ हर एक स्टेट के वैकेंसीज अलग अलग है, आप चाहो तो नोटिफिकेशन में देख लेना। मैं महाराष्ट्र स्टेट की बात करूं तो महाराष्ट्र स्टेट में टोटल वैकेंसीज है 720, तो महाराष्ट्र स्टेट में वो लोग 7,200 लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे मेंस के लिए, 10 गुना लोगों को। तो ये जो भी स्कोर है वो टोटल स्कोर का एक डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरिट लिस्ट लगेगा, तो जो पहले 7,200 लोग हैं महाराष्ट्र के वो नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया की बात करें जो फर्स्ट 83,000 पीपल आ गए दे विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो लाइक सेक्शनल कट ऑफ दूर होने का फायदा कुछ नहीं है, बस अगर आप किसी भी सेक्शन में 15-20 मिनट डाल रहे हो तो उतने अटेम्प्ट्स भी आपको करने ही पड़ेंगे, अटेम्प्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे और तब जाके आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा आएगा, और ओवरऑल स्कोर अच्छा आएगा तो ही मेरिट लिस्ट में नाम आने का चांस है। ठीक है, सो लाइक सेक्शनल कट ऑफ तो हट गया, ओवरऑल कट ऑफ हटा जरूर है लेकिन बट अल्टीमेटली नाउ कास्ट वाइज बात करें तो हर एक कास्ट वाइज एक मेरिट लिस्ट लगेगा। लेट्स से कि एससी कैटेगरी में महाराष्ट्र में अगर 720 में से 150 वैकेंसीज एससी कैटेगरी के, तो एससी कैटेगरी में जितनी भी एप्लीकेंट्स हैं उनका एक मेरिट लिस्ट लगेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, जितने पहले 150 लोग एससी कैटेगरी में परफॉर्म कर रहे हैं या पहले 150 लोग जो एसटी कैटेगरी में परफॉर्म कर रहे हैं वो पहले 150 लोग का ही नेक्स्ट राउंड में जाने वाले। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द चेंज इन द फॉर्मेट। ओके, एज पर एज योर एग्जाम स्ट्रैटेजी इज कंसर्न और आपका स्टडी का प्लान क्या होना चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे आपने पढ़ाई करना चाहिए, क्या फोकस करना चाहिए, इसको ये हम डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम माई साइड, डू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइट नाउ।